आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कोरोना केस में 15.8% की उछाल पिछले 24 घंटे के दौरान। देश में 194,720 नए केस आए सामने। अरविंद केजरीवाल ने कहा अगले हफ्ते होगा पंजाब में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। हिमाचल में बर्फबारी से ठप है 2 नेशनल हाईवे समेत 134 सड़कें। बिजली के 800 ट्रांसफार्मर भी बंद। मसूरी में पहाड़ों की खूबसूरती देखने पहुंचे सैलानी। टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि जिले में 451 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तीसरी लहर में इतनी संख्या में पहली बार संक्रमित मिले हैं। इस दौरान ACMO डॉक्टर रश्मि पंत ने बताया कि संक्रमण जिस गति से बढ़ रहा है ये चिंता का विषय है। लोगों को अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है। स्कूलों के बच्चों से लेकर रैंडम सैंपलिंग, अस्पतालों से लेकर सभी जगह RT-PCR जांच हो रही है। जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है, इसलिए संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है। 451 नए मामले सामने आए हैं उत्तराखंड से। ये पहली बार तीसरी लहर में इतने मामले सामने आए हैं। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 451 लोग संक्रमित पाए गए हैं और कोरोना के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। उसकी मुख्य वजह टेस्टिंग को बताया गया है। ये बताया गया है कि टेस्टिंग की वजह से इतने मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और नैनीताल में 451 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तीसरी लहर में इतनी बड़ी संख्या में पहली बार संक्रमित मिले हैं। इस दौरान ACMO डॉक्टर रश्मि पंत ने बताया है कि संक्रमण जिस गति से बढ़ रहा है ये चिंता का विषय है। लोगों को अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है। स्कूलों के बच्चों से लेकर रैंडम सैंपलिंग, अस्पतालों से लेकर सभी जगह RT-PCR जांच हो रही है। जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक ओर आचार संहिता लागू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे संवाददाता से चुनावों पर जनता से बातचीत की और जनता के मूड को जाना। चलिए आपको सुनाते हैं आगामी विधानसभा चुनावों में जनता किसको पसंद कर रही है और किसको सीएम के पद पर देखना चाहती है। 10 साल हो गए माननीय विधायक फुरकान अहमद जी विधायक हैं और उनके द्वारा कुछ कार्य किए गए, कुछ अभी अधूरे भी हैं। उनके जो 5 साल का पहले कांग्रेस कार्यकाल में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब उनका 5 साल का कार्यकाल वो रहा, वो बहुत बेहतर रहा। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय विधायक जी फुरकान अहमद कांग्रेस से विधायक थे, तो इस बार थोड़ा वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जो अपनी सरकार में कर पाए थे। देखो, सरकार का भी फर्क पड़ता है, ये आप भी जानते हो और हम सब जानते हैं। यदि अपनी सरकार उनकी होती तो आज कलियर में अलग ही चमन खिला हुआ होता। कोई बात नहीं, देर सही दुरुस्त सही, इस बार पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनेगी और माननीय विधायक फुरकान अहमद जी का यहाँ पर वर्चस्व हुआ। प्रदेश की बात कर रहे हैं या सिर्फ करियर की बात कर रहे हैं? सर, करियर विधानसभा की बात तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, हालांकि इस बार बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे हैं जो बीजेपी की तरफ वोट करेंगे, उसकी वजह यही है कि बीजेपी ने मुस्लिम्स के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे मकानों के लिए बहुत सारा पैसा दिया है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है और डायरेक्ट पैसा उनके खाते में आया है, सिलेंडर दिया है, मतलब कोई भेदभाव बीजेपी ने मुस्लिम। देश दुनिया में कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। उत्तराखंड में भी लगातार कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने आगामी 14 जनवरी को पड़ रहे मकर संक्रांति के स्नान पर प्रतिबंधित लगाने का फैसला किया था, जिसको लेकर प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोगों का कहना है कि लोगों की आस्था से खिलवाड़ करना गलत है। हम ये जरूर मांग करते हैं कि जैसे आप विभिन्न
सामाजिक, राजनीतिक, अन्य कार्यों को नियमों का पालन कराते हुए संपन्न करा रहे हैं। उसी प्रकार से ये तो गंगा जी का तट है, कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, सप्तऋषि आश्रम से लेकर के और आप विभिन्न कनखल तक चले जाएं, इधर मायापुर तक चले जाएं, बहुत लंबा पाठ है। अगर श्री गंगा जी का स्नान मकर संक्रांति के दिन हो, निश्चित रूप से मंगलमय होगा। आप सब जगह दूरी का पालन कराएं, मास्क पहनने के लिए बाध्य करें, जो लोग उन नियमों का पालन नहीं करते उनको जो आप जुर्माना की व्यवस्था करी गई है, विभिन्न व्यवस्था करी गई है, उन माध्यमों से उनका। तो मकर संक्रांति स्नान पर प्रतिबंध लगाने की विचार कर रही है सरकार, तो वहीं सरकार के इस फैसले से लोग नाराज नजर आ रहे हैं। लोगों ने कहा है कि लोगों की आस्था से खिलवाड़ करना गलत है। हालांकि हमने से पहले कुंभ स्नान का हाल देखा था, कितनी तेजी से कोरोना प्रसार हुआ था, वहीं एक बार फिर जनता मांग कर रही है कि स्नान की अनुमति दी जाए, लेकिन इस बार प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रहा है, जहां मकर संक्रांति स्नान पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां सिडकुल थाना क्षेत्र के ग्राम रोशनाबाद में शोक सभा में पहुंचे लोगों में गाड़ी पार्क करने को लेकर दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले और फायरिंग भी हुई, जबकि इस घटना में दोनों पक्षों के करीब 8 से 10 लोग घायल हो गए, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और जांच में जुट गई। नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, इंसिडेंट इतना कुछ नहीं है, दो चार व्यक्तियों के बीच में एक आपस में हल्का सा कोई आपस में बहस हुई है और लड़ाई हुई है, और बाकी उसके बाद जो लोग उसमें घायल हुए थे उनको हॉस्टल में एडमिट कर दिया गया है, एंड बाकी सब चीज़ें पीसफुल है और पुलिस प्रॉपर डिप्लॉयड है यहाँ पे, और बाकी SP साहब और मेरे द्वारा विजिट किया गया है, बाकी सामान्य स्थिति है। और लोगों में अगर कुछ कंप्लेंट है किसी चीज़ को लेकर, तो उसमें कल प्रॉपरली बैठक करके चीज़ों को रिजॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे मारपीट की सूचना आई थी, मौके पे तत्काल फोर्स भी आई और आसपास से PSC भी और आसपास के थानों की फोर्स को यहाँ पे बुला लिया गया था। अभी माहौल शांत है और तहरीर आते ही इसमें मुकदमा भी लिख के आगे की कार्रवाई करेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां थाना कलियर की चौकी इमलीखेड़ा क्षेत्र में दिन रात धड़ल्ले से अवैध खनन का खेल चल रहा है, जबकि ये सभी ट्रक बेटपुर चौक की कॉलोनी के रास्ते पर फर्राटा भरते दिखते हैं। वहीं खनन के इस कारोबार पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि इस ट्रकों की वजह से कई हादसे भी हो चुके हैं। आगामी मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर हरिद्वार आने वाले सभी यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत हर की पैड़ी और उसके आसपास के समस्त घाटों पर स्नान पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। अतः ऐसे सभी यात्री जो कि हरिद्वार आना चाह रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार न आएँ, अन्यथा उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। कोविड के उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड और बर्फ के बावजूद पर्यटक कई स्थानों पर पहुंच रहे हैं और प्रकृति के इस सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों को कुछ समस्याएं जरूर हो रही हैं, जबरदस्त बर्फबारी से ट्रैफिक कई जगह फंस गया है और पौड़ी में एक नेशनल हाईवे को खोलने का काम भी चल रहा है, तो निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी होने से कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बर्फबारी के कारण कई इलाकों में बिजली पानी की समस्या भी पूरी तरह से देखने को मिल रही है। थल तहसील के राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक और सेवारत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने तहसील परिसर में बैठक के दौरान यूनियन का गठन किया, जिसमें यूनियन के सदस्यों ने सहमति से संरक्षक राजस्व निरीक्षक शंकर लाल वर्मा को अध्यक्ष बनाया और इस यूनियन का गठन होने के बाद सभी पदाधिकारियों ने संगठन के हित में काम करने की शपथ ली। जो कार्यकारी थी तहसील कार्यकारिणी तो बेड़नाल के संबंध की, तो हम लोगों ने सोचा कि हमारे तहसील थल के LOC कार्यकारिणी का गठन किया जाए, उसमें जो भी हमारी समस्या हो वो समस्या हम आगे तक बढ़ाएं, और हमारे अध्यक्ष जी श्री प्रमोशन कार्य को चुना गया है, हम उनका सब लोग मिलजुल के सभी सदस्य
लालकुआ में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने पशु चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी ने चिकित्सालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रों की जानकारी ली, साथ ही जानवरों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के रखरखाव और उसकी एक्सपायरी के बारे में भी जानकारी ली। वहीं अस्पताल में आने वाले जानवरों के बारे में जानकारी के साथ ही उनमें होने वाली घातक बीमारियों और लक्षणों से बचाव के भी सुझाव दिए। इस दौरान उन्होंने जानवरों के वैक्सीन लगाए जाने और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर पशुओं से संबंधित जानकारी जुटाने के निर्देश भी दिए। मैं अभी जनपद में मुझे आए हुए दस दिन हुए हैं। मैं अभी ये पहला दौरा है मेरा यहाँ पर। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हमारी पशु चिकित्सालयों की स्थिति क्या है, उनके द्वारा जो है पशु पालकों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। अभी कोई खामी तो आई नहीं है, लेकिन यह है कि हम लोग जो भी विभागीय योजनाएँ हैं उनका अधिक से अधिक पशुपालकों को लाभ मिले, यही हमारा प्रयास रहेगा। और जो विभागीय संस्थाओं की जो स्थिति है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने कहा कि चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और जनता में अब की बार काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जबकि उत्तराखंड की जनता एक बार फिर हरीश रावत को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। मुख्यमंत्री जी अभी 20 सितंबर को भगवानपुर में आए थे, उन्होंने भी घोषणा की थी, लेकिन ये कोरी घोषणाएं हैं। इन घोषणाओं पर अमल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर ही नहीं पाई है, जिनकी वजह से जनता त्रस्त हो चुकी है। महंगाई की मार तो है ही, बेरोजगारी आप देखिए, हमारे युवा बेरोजगार हैं, चारों तरफ से चीत्कार कर रहे हैं कि हम रोजगार सबसे पहला है, युवा हाथों को रोजगार चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस ओर कोई ध्यान नहीं है। तो निश्चित रूप से जनता ने मन बनाया है इस बार 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने का। कांग्रेस खबर चमोली से है, जहां पर लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब जिले में कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। ये डोज हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए लगेगी जो किसी बीमारी से ग्रसित हो, साथ ही दूसरी डोज के बाद 9 महीने का समय पूरा हो गया हो। कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिए गए हैं। को समस्त जो आवश्यक दवाइयां हैं और जो भी आवश्यक सप्लाईज हैं उनका अरेंजमेंट करने के लिए उनको बोल दिया है और आवश्यक धनराशि भी उपलब्ध करा दी है। साथ ही साथ हमारे जो पुलिस की टीम्स हैं, उप जिलाधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि वो मास्क वेयरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का एनफोर्समेंट सुनिश्चित करें ताकि कम से कम हमारे केसेज आएँ। जो हमारे केसेज आ रहे हैं पर हमारे जो अधिकांश हमारे माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक हैं और होम आइसोलेशन। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।